हेलो दोस्तों, आज मैं खेल रहा हूँ ग्रेनिट चैप्टर वन और आज मैं स्केप करने वाला हूँ डोर स्केप। तो आज मैं स्पाइडर मैन बन के खेलूँगा और बाकी वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे गेम प्ले वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं अभी ग्रैंडपा के वॉशरूम में आ चुका हूँ और देखता हूँ मुझे यहाँ पर डोर स्केप का एक स्किल ग्रेनी आ चुकी भाई। अब देखो ये बैटल ये और ये मुझे मार नहीं पाएगी क्योंकि मैं स्पाइडर मैन बनाऊँ। बाकी मैं यहाँ पर उड़ भी सकता हूँ, ठीक है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उड़ूँगा भी। बाकी अभी देखो डोर स्किप करने के लिए मुझे चाहिए, अभी मैं आ गया हूँ ग्रेनी के किचन में और यहाँ पर चेक करते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। बाकी डोर की चाहिए और मास्टर की और डोर एलिवेटर चाहिए, तो तीन चीज़ चाहिए बस। बाकी अभी यहाँ पर इसको खोलते हैं। डोर एलिवेटर नहीं लिखेगा भाई, पहले एक सेकेंड, ये रिंच मिला है, मैं इसको उठा के पहले इसको, मेरे पास तो अभी हैमर भी नहीं है तो इस रिंच की मदद से मैं प्लैंक तोड़ूंगा, ठीक है। वो कैसे तोड़ूंगा अभी आगे बताता हूँ। बाकी ये शॉटगन का पार्ट है, चलो चलते हैं आगे की तरफ और मुझे यहाँ से स्केप करना पड़ेगा। अभी बताता हूँ, देखो पेडलॉक की, मास्टर की और क्या चाहिए, कटिंग वायर चाहिए, बस यही तीन चार चीज़ चाहिए जो कि मुझे यहाँ से डोर स्किप करने का मौका मिलेगा। कोई ना, बाकी यहाँ पे नीचे रूम में सब चेक कर लिया, ड्रॉअर वगैरह और कुछ मिले नहीं। चलो अब बारी है ग्रेनी के, ग्रेनी से हम वो करवाएंगे यानी प्लैंक तोड़वाएंगे, ठीक है। तो अभी ये दरवाज़ा खोल चुका हूँ और यहाँ पे ड्रॉअर इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्रोविल देखने को मिला है, तो ये क्रोविल हम बाद में ले जाएंगे, इसको प्ले हाउस में भी यूज करना पड़ेगा, छोटा सा हाउस है। और अभी यहाँ पे भाई ये ड्रॉअर है, इसको भी खोलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, तो बाकी ये मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए भी इसको खोल चुका हूँ, क्यों ना मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और ग्रेनी भाई आ रही है ऊपर की तरफ और मुझे यहाँ से तुरंत निकल के चलना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब मैं ग्रेनी से प्लैंक तोड़वाऊँगा जो कि प्लैंक मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, देखो मेरे पास कुछ है तो नहीं, बाकी ये इस जो मेरे हाथ में रिंच है ना, ये वाला प्लैंक ना इसको तोड़ूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे फेंक देता हूँ ताकि ग्रेनी को लगे कि अंदर कोई है और वो जाने की कोशिश करेगी, बाकी वो मैं जैसे मैं हटूँगा ये प्लैंक टूट जाएगा। तो फिलहाल के लिए प्लैंक टूट गया है, तो अभी इस प्लैंक को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। कोई ना, इस प्लैंक को मैंने तोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आ चुका हूँ, इसके अंदर देखते हैं मुझे क्या देखने को मिलेगा। तो ड्रॉवर में कुछ नहीं मिला, बाकी ये मीट मिला है, देखो एक कौवा भी रहता है, क्या वो कौवा मीट खाएगा या मुझे तो नहीं पता, फिर भी अगर वो खाएगा तो मैं उसको दूंगा, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट इतने ऊपर से गिर गया, अगर मैं वो स्पाइडर नहीं बना होता तो मैं यहाँ पे डे टू स्टार्ट हो जाता। बाकी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ वो खाएगा कि नहीं। और इसको धक्का देते हैं और यहाँ पर कटिंग वायर कट करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ फेंक देता हूँ। चलो बेसमेंट में चलते हैं, आपको जहाँ पर कार खड़ी है और कार के पास देखते हैं वहाँ पर डिग्गी है और वहाँ पर देखते हैं मुझे क्या देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अभी मैं नीचे चल रहा हूँ और अभी यहाँ पे कार के पीछे डिग्गी में कुछ नहीं है और भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, कुछ नहीं भाई, खाली पड़ा भाई पूरा हाउस, कोई ना, बाकी मुझे यहाँ से डोर स्किप करना भी है कैसे भी करके। बाकी वीडियो पर लाइक नहीं करते तो क्या करो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी गेम प्ले वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब ग्रेनी क्यों आ जाती है, इसको ग्रेनी को मैं काम करूँ, किसी दिन इसको उल्टा कर दूँगा, ठीक है। ग्रेनी को मैंने बहुत एक सेकंड में वेनम ग्रेनी जब बनाया था तो वेनम ग्रेनी काफ़ी डेंजरस थी जो कि मुझे मारने पे काफ़ी तुली थी, तब भी मैं वहाँ से निकल गया था। चलो इस मीट को मैं लेके यहाँ चलता हूँ और भाई मुझे इस मीट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ना, चलो देखते हैं कौवा को देंगे, वो खाएगा या नहीं। बाकी ये डोर इसको हम खोलते हैं और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो ये दरवाज़ा इसको भी खोलते हैं। भाई यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्रोविल, भाई दो क्रोविल हो गए तो मेरा काम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इसको मीट के फेंकते हैं, देखते हैं कौवा खाएगा कि नहीं। अच्छा, इसको फेंक देता हूँ, भाई नहीं खाया भाई ये कौवा, बड़ा आरामी है, ठीक है, कुछ खाता होता नहीं, बस ये बर्ड सीड्स यानी इसको दाना ला कर देना पड़ेगा तभी उठेगा। देखो वो कटिंग प्लायर भी लिया है, उस कटिंग प्लायर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मुझे इसको दाना देना पड़ेगा। देखो ग्रेनी चैप्टर 3 में कौवा था, ग्रेनी चैप्टर 2 में भी कौवा है, पर ग्रेनी चैप्टर 1 में कौवा नहीं है, ठीक है। 2 और 3 में चैप्टर में कौवा है। बाकी यहाँ पे मुझे कार की देखने को मिल चुका है ड्रॉवर में, और इस कार्टून जत्ती को हटाएंगे तो हम इसके अंदर एंटर करेंगे और इसके अंदर एक सीक्रेट डोर है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला, ये बटन प्रेस करेंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा। चलो अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है। चलो कार को पीछे जो डिग्गी है ना उसको हम खोलेंगे, बाकी यहाँ सब तो मैं यूज कर चुका हूँ। अब चलो चलते हैं कार के पास क्योंकि कार के पीछे जो डिग्गी है ना उसका की मुझे मिल चुका है, अब उसको खोलेंगे, देखते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिल जाए तो बढ़िया रहेगा जिससे हम इस गेम को स्किप कर ले और आप लोग को भी दिखा दो कि मैं गेम को स्किप कर लिया। एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ नीचे की तरफ और वहाँ देखता हूँ क्या देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा है तो उसको इग्नोर मारो क्योंकि वहाँ पर कुछ हो रहा है। बाकी इस हैमर को मुझे लेकर चलना पड़ेगा,
तो इस हैमर को देखो, मुझे जो दरवाजे में प्लैंक लगा है उसको तोड़ना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, पहले इस कार्टून दत्ती को हटाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो मेरे पास रिमोट कंट्रोल देखने को मिला है और कुछ नहीं। चलो पहले इस हैमर को यूज करते हैं, जो कि दरवाजे में प्लैंक लगा है हम उसको तोड़ेंगे ताकि डोर स्केप करने। अबे मैंने हैमर की नहीं बताया था क्या? जब मेरे ख्याल से मैंने आपको हैमर नहीं बताई, हैमर भी यूज होगा। ठीक है, अब देखो वायर कट करने के लिए मुझे चाहिए भाई कटिंग वायर, तो इसके लिए चाहिए मुझे बल्ड सीट्स। अब बल्ड सीट्स जानते हो, मुझे बस एक जगह जाना पड़ेगा, अगर वहाँ पे मिलेगा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, बल्ड सीट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा ताकि हम वायर कट कर सकते हैं और ऊपर भी जाके वायर कट कर देंगे। तो भाई ये बल्ड सीट्स है, तो मैं इसे उठा लेता हूँ। इसे मैं एक सेकेंड, यहाँ से नहीं जाऊँगा मैं, हर बार यहाँ से जाता हूँ। चलो आज हट के चलते हैं, वहाँ पे एक गुफा है, गुफा यानी बेसमेंट है, पानी है, इसके अंदर से हम चलते हैं। तो डायरेक्ट हम इसके अंदर कूद जाते हैं और फिलहाल के लिए हम इसके अंदर एंट्री हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, चलो मुझे कौवे को दाना देना पड़ेगा, तो आराम से ऐसे हम चलेंगे और अभी सीढ़ी मिलेगा। ठीक है, चलो ये हाउस के अंदर एंट्री होने वाला हूँ। ये बेसमेंट है, ये यहाँ पर बहुत कम बंदे आते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पर इसको फेंकता हूँ। अभी ये कैसे उठ जा रहा है? अब एक कहा हो रहा है, एक काम करता हूँ, पहले इस मिट को उठा करके फेंकता हूँ। ठीक है, अब इसको बल्ड चिड़ियों को दाना देता हूँ, कौवा है सासुरा, बाकी इसको मैंने दे दिया हूँ और ये कटिंग प्लायर मेरे हाथ में है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, क्योंकि मुझे जो जो करना है उसको करना है। देखो छत पर जाके वायर कट करना पड़ेगा पहली बात, दूसरी बात डोर में जाके वायर कट करना पड़ेगा, तीसरी रूम के अंदर जाके वायर कट करना पड़ेगा, तीन जगह वायर कट करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम यहाँ से स्केप कर लेंगे। अबे गृहिणी तुरंत आ गई, यानी शोर शराबा होगा तुरंत गृहिणी आ जाएगी, तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। चलो अभी फिलहाल के लिए मैं जल्दी ऊपर चल रहा हूँ, अबे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो काम करता हूँ इस प्लैंक को मैं, अबे गृहिणी आ रही हो, कोई ना, अब इस प्लैंक को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, पहले तो वायर कट कर देता हूँ। तो ये तो गेट बंद हो चुका है, तो इसको मुझे स्क्रू निकाल दूंगा ना तो गेट खुल जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी स्क्रू निकाला और गेट हो चुका खुल, तो इस स्क्रू मतलब कटिंग प्लायर को मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। अब बारी जो सेब की मिला है ना, उसको तिजोरी में यूज़ करना पड़ेगा, तो अभी इस की को मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि पंखुड़ी चल रहे थे मैं इसको नहीं ले पाता। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से कूद जाता हूँ गृहिणी को करने का। एक गृहिणी ये दरवाज़ा कैसे खोलिए? मैं अच्छा मैं स्पार्स होगा, बहुत कम ही दरवाज़ा खुलता है। बाकी मुझे कटिंग टूल है ना, इसको उठाता हूँ, कटिंग प्लायर जिसे बोलते हैं, एक वायर कट कर दिया। अभी इसको वायर कट करने के लिए मुझे चलना पड़ेगा नीचे की तरफ, तो ये रहा रास्ता। ठीक है, तो मुझे इसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब फिलहाल ये वायर की टेंशन ख़त्म, अब बारी देखो क्या करने की। जो मेरे पास सेव की है ना, इसको हम यूज करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। ये रहा, अब सेव की यूज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलने वाला हूँ। ठीक है, और देखते हैं सेव की क्या अंदर क्या देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पे क्या रेस्टोरेंट पेडलॉक की ये नहीं चाहिए मुझे, नहीं वो रेस्टोरेंट पेडलॉक है, मुझे पेडलॉक की चाहिए। चलो एक काम कर, जल्दी इस पेडलॉक की ढूंढ के लाया हूँ और इसको मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर से मिलता है ये, बाकी मैं नहीं कहीं भी मिल सकता है, बाकी की को इसको यूज कर लिया। अब बारे गृहिणी को मारने के लिए, क्योंकि गृहिणी का अभी तक मैं नहीं मारा, तो आज आ गृहिणी तेरे को बताता हूँ। ये गृहिणी को भी मैंने टपकाया, चलो अब मास्टर की लेके आते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास मास्टर की है, अब मैं इसको दरवाजे में लगा के मैं यहाँ से निकल लूँगा। फिलहाल के लिए मैंने इस गेम को स्किप कर लिया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे गेम वीडियो में आपके लाते रहूँगा। और ऐसी गेम प्ले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी गृहिणी दौड़ते हुए बाहर आ चुकी है और गेम समाप्त हो गया है इस। ठीक है, मुंह बाई थी खाने के लिए, मैं भूख दूर गया।